डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर डिजिटल लिटरेसी एडवांस्ड, यानी कि डिजिटल साक्षरता। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्टर, डिफाइन इट्स वर्किंग। प्रोजेक्टर क्या है और यह कैसे काम करता है? प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। प्रोजेक्टर एक रोशनी के ऊपर काम करने वाला उपकरण है, ठीक है। अब जो भी डिवाइस, जो भी उपकरण रोशनी के ऊपर काम करता है, हम उनको ऑप्टिकल बोलते हैं। जैसे स्कूल में माउस का यूज करते हैं ना, माउस के नीचे भी लाइट जलती रहती है नीचे, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। प्रिंटर के ऊपर हम स्कैनिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी अंदर जो लाइट गिरती है स्कैनिंग के लिए, तो वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। दैट डिस्प्ले मूविंग इमेजेस ऑन टू ए सरफेस, स्क्रीन और वॉल। जो हमें मूविंग इमेजेस मतलब वीडियोस को एक सरफेस, एक प्लेन दीवार या स्क्रीन के ऊपर या पर्दे के ऊपर दिखाता है। मोस्टली प्रोजेक्टर्स क्रिएट एन इमेज थ्रू ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट लेंस। ज्यादातर जो प्रोजेक्टर होते हैं वो इमेज को क्रिएट करते हैं एक छोटे से ट्रांसपेरेंट लेंस के जरिए। एंड सम न्यू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर डायरेक्टली क्रिएट इमेज बाय यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। और कुछ एक जो नए प्रोजेक्टर हैं वो डायरेक्टली ही इमेज को क्रिएट करते हैं एक लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे कि एक नीचे दिखाया गया है। ये प्रोजेक्टर स्कूल में भी आप देखते होंगे, लैब में ऑन करते हैं तो इस तरह से लेजर बीम निकलती है और दीवार के ऊपर इमेज बनती है या वीडियो बनती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी सेम इन्हीं प्रोजेक्टर की तरह होते हैं। एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर कंसिस्ट अ लार्ज बॉक्स। अब जो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड तब बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्शन के लिए जो लगा होता है लेंस, वो ऊपर लगा होता है, यहाँ पे एक सर के ऊपर लगा होता है, मतलब ओवरहेड तभी बोल रहे हैं इसको। अब इसमें बोल रहे हैं कि कंसिस्ट मतलब कि इसके अंदर समाविष्ट होता है, लगा हुआ होता है एक बहुत बड़ा बॉक्स, जैसे ये है नीचे, ये बॉक्स है नीचे, ठीक है। अ फैन टू कूल इट, और इसके अंदर एक फैन भी लगा होता है इसको ठंडा रखने के लिए। अ लेंस, एक लेंस लगा होता है। एंड अ मिरर एट द एंड ऑफ आर्म, और एक मिरर लगा होता है यहाँ पे, ये जो इसकी आर्म है ना, ये है इसकी आर्म, एट द एंड ऑफ आर्म, यहाँ पे एक शीशा लगा होता है जो नीचे से इस तरह से लेजर बीम लेता है, यहाँ पे रोशनी पड़ती है और ये यहाँ से फिर इमेज को दीवार के ऊपर बनाता है। एंड रीडायरेक्ट द लाइट टुवर्ड्स द स्क्रीन और वॉल, और लाइट को रीडायरेक्ट करता है, यानी कि लाइट को गिराता है सामने किसी प्लेन दीवार के ऊपर या फिर पर्दे के ऊपर। दीज प्रोजेक्टर्स ऑफनली यूज इन क्लासरूम्स एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंसिस। ये प्रोजेक्टर ऑफनली मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं क्लासरूम में और बिजनेस की कॉन्फ्रेंसिस में। क्लासरूम में हम पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं ना, अपने सारे के सारे चैप्टर सी के ऊपर चलाते हैं हम सारे, ठीक है। ओवर हेड प्रोजेक्टर्स वाज फर्स्टली यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ओवर हेड प्रोजेक्टर सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इन प्रोजेक्टर्स की एडवांटेजेस की। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर इजी टू ऑपरेट। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल करने में आसान होते हैं इन नॉर्मल रूम लाइटिंग, एक सामान्य रोशनी के अंदर। कमरे में के लिए नॉर्मल लाइट ही चाहिए होती है, एक सामान्य रोशनी चाहिए होती है। ज़्यादा लाइट होगी कमरे में तो ये अच्छे से दीवार के ऊपर पिक्चर्स नहीं बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, दीज प्रोजेक्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर ट्रांसपेरेंसीज। ये प्रोजेक्टर जैसे हम ऑन करते हैं तो ये पहले वीडियो की जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है, जो भी वीडियोज होती है, उनको पहले ही तैयार कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसीज को। दैट रिक्वायर वेरी लिटल एफर्ट, जिसे तैयार करने में बहुत ही कम मेहनत की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर मतलब जरूरत पड़ती है, वेरी लिटल मतलब बहुत कम, एफर्ट्स मतलब मेहनत। फॉर राइटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब जो
दिखाते हैं दीवार के ऊपर, जो प्रस्तुत करता है, ये जो प्रस्तुतिकरण होता है इसका, जो इमेजेस को बनाता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर सीक्वेंस्ड प्रेजेंटेशन, इसका इस्तेमाल जो होता है वो क्रमबद्ध प्रेजेंटेशंस को देखने के लिए किया जाता है। ये सीक्वेंस में दिखाता है प्रेजेंटेशंस को, जैसे हम स्कूल में देखते हैं चैप्टर की प्रेजेंटेशंस हैं, उसकी जो प्रस्तुतिकरण होते हैं। अब चलते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर, कि प्रोजेक्टर की जो डिसएडवांटेज है वो क्या होती है। ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये की डिसएडवांटेजेस है। इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। व्हेन वी मूव दीज प्रोजेक्टर्स, बोल रहे हैं कि जब हम इन प्रोजेक्टर्स को मूव करते हैं, घुमाते हैं अराउंड, देन तो क्या होता है, दे कैन डैमेज द इमेज क्वालिटी। तो ये इमेज की जो क्वालिटी होती है उसको डैमेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर स्लोअर देन न्यू प्रोजेक्टर, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं वो ये जो नए डिजिटल प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं इनसे काम करने में स्लो होते हैं, स्लो काम करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। LCD, LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड मतलब तरल, क्रिस्टल मतलब कांच के टुकड़े, डिस्प्ले मतलब दिखाना। LCD में छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे होते हैं, तरल रूप में होते हैं, दैट कंसिस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब बोल रहे हैं कि LCD में एक मैट्रिक्स बनी होती है, ये देखो ये मैट्रिक्स ही बनी हुई है, रोज और कॉलम्स बने हुए हैं ना इसके अंदर, टेबल्स की फॉर्म में ही है ना। दैट आर अरेंज्ड इन पिक्सल्स, बोल रहे हैं कि ये क्रिस्टल सारे के सारे अरेंज होते हैं पिक्सल्स के रूप में। ये देखो जहाँ पे ये रोज और कॉलम्स आपस में काट रहे हैं ना, ये लाइंस, ये बन रहे हैं कॉलम्स बन रहे हैं, छोटा सा जो पॉइंट बन रहा है ना क्रॉसिंग के ऊपर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पिक्सल। बोल रहे हैं कि इन हर एक पिक्सल के ऊपर ये कांच के टुकड़े लगे होते हैं तरल रूप में। ईच पिक्सल इन LCD इज सेपरेटेड इन RGB कलर्स, हर एक पिक्सल जो होता है वो LCD में बांटा गया होता है RGB कलर्स में, विद RGB इलेक्ट्रॉन गन। ये RGB गन, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू गन के साथ क्या होते हैं, सारे के सारे जो कलर होते हैं इसके ऊपर बनते हैं RGB इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इससे तीन कलर निकलते हैं जो इन क्रिस्टल्स के ऊपर पड़ते हैं जो पिक्चर्स को तैयार करते हैं। एंड कंट्रोल्ड विद ट्रांजिस्टर, और इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पूरी की पूरी लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर पुर्जे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। LCD हैज फास्टर रिफ्रेश रेट, LCD का जो रिफ्रेश रेट है यानी कि पिक्चर को फ्रेम बाई फ्रेम दिखाने का जो इसका दर है वो फास्ट होता है, जो फिर हम जो पिक्चर क्वालिटी को अच्छा दिखाता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, बढ़िया बनती है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखाई देती है। अब देखो ये नीचे नीचे डायग्राम बना हुआ पेपर के लिए, ये डायग्राम भी तैयार करनी है। ये RGB इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल इन पिक्सल्स, ये सारे के सारे हर एक पिक्सल के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, देखो ये LCD है और ये दूसरी तरफ जो है वो LED है। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। LCD प्रोवाइड शार्प एंड ब्राइट इमेजेस, LCD हमें स्पष्ट और चमकदार इमेजेस को उपलब्ध करवाती है। LCD स्क्रीन्स आर फ्लैट एंड थीन, LCD स्क्रीन जो होती हैं वो चपटी होती हैं, ठीक है, एंड थीन और पतली होती हैं। LCD कंज्यूम लेस पावर एज कंपेयर टू CRT मोनिटर्स, LCD जो होती हैं वो कम बिजली को कंज्यूम करती हैं, कम बिजली का इस्तेमाल करती हैं एज कंपेयर टू CRT मोनिटर्स। कंपेयर मतलब तुलना में, CRT मोनिटर्स की तुलना में ये कम बिजली को यूज करती हैं, कंज्यूम करती हैं, उपयोग करती हैं, ठीक है। CRT मोनिटर्स क्लासरूम में भी देखा होना कि बैक साइड में रखे हुए हैं ना, जो टीवी की तरह, जैसे पुराने टीवी होते हैं उनके अंदर CRT लगी होती है, कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, ठीक है, ये ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। LCD प्रोड्यूस लिटिल हीट, LCD जो होती है वो बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करती है, जबकि ये जो मॉनिटर्स होते हैं ना CRT मॉनिटर, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हाथ लगाएंगे बैक साइड में तो हमें जैसे प्रेस से हीट निकलती है ना, वैसे हीट निकलती है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, इसके क्या क्या अवगुण है, ठीक है। अब इसकी कमियां देख लेते हैं। एलसीडी हैव शॉर्टर लाइफ, एलसीडी की जो लाइफ होती है वो कम होती है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10,000 घंटे, 10,000 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद से धीरे धीरे इनकी जो लाइट होती है वो डिम होने लग जाती है। आफ्टर 3 to 5 years, 3 या 5 साल के बाद जो होते हैं इनकी जो डिस्प्ले होती है बिकम डिमर, इनकी जो डिस्प्ले होती है, इनकी जो स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन में जो लाइट आती है वो धीरे धीरे डिम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एलसीडी पैनल हैज फिक्स्ड पिक्सल रेजोल्यूशन फॉर्मेट, एलसीडी में जो पैनल लगा होता है उसका जो पिक्सल का जो रेजोल्यूशन होता है, पिक्सल का रेजोल्यूशन का कहने का मतलब है इसके अंदर जो पिक्चर बनती है ना वो रेजोल्यूशन में ही होती है, उसका जो रेजोल्यूशन होता है ना पिक्सल का वो फिक्स होता है, इसलिए इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो एज कम्पेयर टू एलईडी होती है वो कम होती है एलसीडी की, ठीक है। इट रिक्वायर केयरफुल एडजस्टमेंट, अब इसको ना बड़ी ही सावधानी के साथ रखने की जरूरत पड़ती है, अगर इसको चोट लग जाए तो ये क्रैक हो जाती है ना, तो इसको केयरफुली यानी कि इसकी जो देखभाल की जो जरूरत, इसको पूरी सावधानी के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है इट प्रोवाइड लिमिटेड व्यूइंग एंगल, बोल रहे हैं कि ये हमें बहुत ही कम व्यूइंग एंगल्स का मतलब है कि अगर हम साइड में से देखेंगे ना तो हमें जो उसकी पिक्चर्स होगी, पिक्चर जो होती है ना वो नेगेटिव सी नजर आती है एलसीडी की, ठीक है। तो इसकी जो व्यूइंग एंगल्स हैं ना वो इसमें हमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं दिखाते हैं, जबकि एलईडीज में हर एक व्यूइंग एंगल से देखो, चाहे साइड चाहे लेफ्ट से देखो, राइट से देखो या बैक साइड से देखो, तो इसके जो व्यूइंग एंगल होते हैं बिल्कुल साफ नजर आती है इसकी जो पिक्चर होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव देन सीआरटी, बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है पुराने जो सीआरटी मॉनिटर्स, जो पुराने सीआरटी ट्यूब्स होती हैं, कैथोड रे ट्यूब होती हैं, उनसे महंगी होती हैं। इट कंज्यूम मोर पावर देन एलईडीज, अब इसकी एक डिसएडवांटेज और ये है कि ये एलईडी से बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं, एलसीडी जो बिजली की जो कंजम्पशन होती है इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एलईडीज, एलईडी से ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि एलईडीज क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एलईडी डिस्प्ले, अब एलईडी की फुल फॉर्म देखते हैं। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, अब एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट को एमिट करने वाली डायोड्स छोटे छोटे से पुर्जे होते हैं। दैट कंसिस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ डायोड्स, अब इसमें डायोड लगी होती हैं, डायोड मतलब एक पुर्जा होता है, पुर्जे होते हैं छोटे छोटे से डायोड, वो लगे होते हैं इसके अंदर। दैट अरेंज्ड इन पिक्सल, जो पिक्सल्स में अरेंज की होती हैं, अब देखो ना एलसीडी में हर एक पिक्सल पे क्या लगा था, क्रिस्टल लगा हुआ था, एलईडी में हर एक पिक्सल पे क्या लगा हुआ है, अब डाइट लगी हुई है, डाइट लगाई हुई है। टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, इंफॉर्मेशन को आउटपुट के तौर पर दिखाने के लिए, समझ आ रहा है ना क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब देखो ना एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है, इसमें जो मैट्रिक्स बनी हुई है ना, इसमें जो सांचा बना हुआ है इसका, ये सारा का सारा जो रोज और कॉलम्स का सांचा बना हुआ है सारा का सारा, हर एक सांचे के अंदर हर एक पिक्सल के ऊपर डायोड लगी होती है, ठीक है। दैट अरेंज्ड इन पिक्सल टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, इंफॉर्मेशन को आउटपुट के तौर पर दिखाने के लिए। अब देखो इसमें पुर्जे के काम करते हैं। द सेमी कंडक्टर मटेरियल, अब इसमें ना सेमी कंडक्टर लगे होते हैं, सेमी कंडक्टर एक तरह के पुर्जे होते हैं, मटेरियल लगा होता है एलईडी के अंदर। दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट, जो बिजली के करंट को बदलता है इनटू डिफरेंट लाइट कलर्स, तरह तरह के कलर्स में। अब देखो एलसीडी में क्या लगा हुआ था, वहां पे आरजीबी गन लगी हुई थी, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें सेमी कंडक्टर मटेरियल लगा हुआ है एलईडी में, जो बिजली के करंट को किसमें बदलते हैं, आरजीबी कलर में, रेड ग्रीन ब्लू कलर में, इसमें सेमी कंडक्टर मटेरियल जो है वो उस बिजली के करंट को आरजीबी कलर में बदल रहा है। एलईडीज आर वाइडली यूज्ड इन, एलईडी का जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो टीवी में, एटीएम मशीन में, डिजिटल वॉचेस में, और जो घर में अब लग रही हैं लाइट्स जो लग रही हैं सोलर लाइट्स, उनमें भी एलईडी बल्ब्स हैं, तरह तरह की जो डिवाइसेस हैं उनमें एलईडीज का ही यूज़ किया जा रहा है। अब देखो यहाँ नीचे ये एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है, ऐसे ही बनाना है पेपर में, डायोड्स इन पिक्सल्स,
इसमें हर एक पिक्सल के ऊपर क्या लगी हुई है, डॉट लगी हुई है। एलईडी देखने में कुछ इस तरह की, ये देखो ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। स्लिम डिजाइन, स्लिम मतलब पतली सी होती है डिजाइन में। एलईडी स्क्रीन आर मच थिनर, एलईडी स्क्रीन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है। एलसीडी देन मतलब से, एलसीडी से बहुत ही ज्यादा पतली होती है एलईडी। ब्राइट इमेज, अब इसमें जो इमेज बनती है वो चमकदार बनती है, ब्राइट बनती है, चमकदार। एलईडी प्रोड्यूस ब्राइटर इमेज और इमेज क्वालिटी, अब एलईडी में जो पिक्चर्स बनती है वो बहुत ही चमकदार होती है और इमेज की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ट्रू कलर्स, अब एलईडी प्रोड्यूस ट्रू लाइफ कलर दैट आर कंट्रोलेबल। एलईडी में जो कलर बनते हैं वो जैसे रियल लाइफ में चीजें दिखाई देती हैं सेम वैसे ही कलर बनते हैं। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया होती है और इसके जो कलर्स होते हैं वो भी कंट्रोलेबल होते हैं, उनको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, बाकियों में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ट्रू लाइफ कलर्स को डिस्प्ले करती है। फ्लिकर फ्री, फ्लिकर मतलब टिमटिमाने को बोलते हैं, फ्लिकरिंग करना, टिमटिमाती, कई बार हो जाती है ना, फटफड़ाहट सी हो जाती है स्क्रीन में, तो एलईडी स्क्रीन्स आर फ्लिकर फ्री। एलईडी जो स्क्रीन होती है वो फ्लिकर फ्री होती है, इनमें वो उस तरह की फटफड़ाहट नहीं होती है। दैट रिड्यूस आई स्ट्रेस, जिससे हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। एंड हेडेक, और हमें सर दर्द भी नहीं होता है, हेडेक मतलब सर दर्द, आंखों के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है, आंखों के ऊपर दबाव नहीं पड़ता है और सर में भी दर्द नहीं होता है। लॉन्ग लाइफ, एलईडीज आर लॉन्ग लिव्ड डिवाइसेस, अब एलईडी की जो लाइफ होती है ना वो एलसीडी से बहुत ज्यादा होती है। अब देखो एलसीडी जो होते हैं 3 to 5 ईयर चलती है, लेकिन ये लाइफ टाइम चलती है, बस केयर रखना पड़ती है। 6 पॉइंट आता है कंज्यूम लेस पावर, एलईडीज कंज्यूम लेस पावर देन एलसीडीज। एलईडीज होती है वो बहुत ही कम बिजली यूज करती है एलईडी से देन एलसीडीज, एलसीडीज से ये बहुत ही कम बिजली को कंज्यूम करती हैं, उपयोग करती हैं। अब बात करते हैं इसकी अवगुणों की, इसकी कमियों की। एलईडीज आर मोर एक्सपेंसिव, एलसीडी की सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, एलसीडी से बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं एलईडीज। इट्स एज पासिंग एंड टेम्परेचर कैन अफेक्ट इट्स क्वालिटी, बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी एज पास होती जाती है और टेम्परेचर जो होते हैं वो इसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है लेकिन खराब नहीं कर पाता है, ठीक है। इट्स परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन करेक्ट इंजीनियरिंग, बोल रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इंजीनियरिंग के ऊपर, जिस इंजीनियर ने इसको बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद। Audio Jungle. Audio Jungle.